लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जिन सीटों पर चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है उनमें से एक सीट है उत्तर प्रदेश की अमेठी, जहां से कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को पटखनी दी है। दरअसल स्मृति की हार के बाद सोशल मीडिया पर उनके संसद में दिए गए भाषण की एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये क्लिप ही स्मृति की हार का सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसा क्या है इस वायरल क्लिप में जिसके चलते स्मृति को झेलनी पड़ी हार, जानिए इस रिपोर्ट में। 2022 में संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था, तारीख थी 28 जुलाई। सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अधीर रंजन चौधरी के एक बयान को मुद्दा बनाकर संसद में हंगामा खड़ा कर रही थी। इस दौरान वो इतनी आक्रामक हो गई कि उन्होंने सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी को भरे सदन में नाम लेकर पुकारा और माफी मांगने की मांग की। स्मृति का आरोप था कि अधीर रंजन ने राष्ट्रपति का अपमान किया है, इसलिए पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। स्मृति का लहजा और उनके शब्द सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ राजनेता के लिए अपमानजनक थे। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब। स्मृति ईरानी सत्ता के अहंकार में बड़े छोटे के लिहाज को दरकिनार कर सोनिया गांधी पर आक्रामक हो चली थी। देखा जाए तो इस बार के चुनावी मैदान में जब राहुल और प्रियंका उतरे तो उन्होंने अपनी माँ के उस अपमान का बदला लेने का जैसे इरादा कर लिया था। इस बार रायबरेली के साथ साथ अमेठी में राहुल और प्रियंका ने जमकर प्रचार किया और प्रचार ऐसा था कि जिस दिन अमेठी में मतदान हुआ उसी दिन स्मृति ईरानी अमेठी का मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। अब 4 जून को सामने आए नतीजों ने स्मृति ईरानी का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। किशोरीलाल शर्मा को 5,39,000 वोट मिले तो वहीं स्मृति को 3.5 लाख। डीवी लाइव की रिपोर्ट।